करेंगे भोपाल के पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस आज बंद का ऐलान कर रही है, आह्वान कर रही है सभी से। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महंगाई के विरोध में लोगों से समर्थन भी मांगा है। कांग्रेस ने बंद के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। शहर में कहीं कहीं जगह आधे दिन करवाएंगे बंद, कहीं फूल देकर मांगेंगे बंद का समर्थन, कहीं हाथ जोड़कर और कहीं साइकिल यात्रा करेंगे कांग्रेसी। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होने के बाद कांग्रेस का बंद का ऐलान है। आज 8 बजे से 2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने महंगाई के विरोध में लोगों से इसमें समर्थन देने की अपील की है। पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ते देख लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और अब बंद का ऐलान किया गया है। आज सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगा और लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि बंद का समर्थन करें सभी लोग। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए संजय डोंगर देवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अगर हम देखें अब ट्विटर से बाहर निकल के कांग्रेस अब सड़कों पर आ रही है, कितना असरदार साबित होगा, कितना दमखम कांग्रेस दिखा पाएगी आज? बिल्कुल रितु, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से महंगाई आसमान छू रही है, चाहे गैस की बात कर ली जाए, पेट्रोल की बात कर ली जाए, डीजल की बात कर ली जाए या खाने पीने की वस्तुओं की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण आम जनता भी जिस प्रकार से परेशान है उसको देखते हुए कांग्रेस का जो समर्थन की बात करी जाए तो कांग्रेस इस बार जिस प्रकार सड़कों पर उतर के बंद का आह्वान किया है तो आज लोगों से जिस प्रकार से अपील की है कांग्रेस का अपनी 5 टुकड़ियों के द्वारा, मतलब भोपाल राजधानी में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। अभी जहाँ पे हम गए थे दुकानें देखी, हमने मार्केट देखा, तो मार्केट में जिस प्रकार की चाय पान नाश्ते की दुकानें जो सुबह खुल जाती थी आज वो भी बंद देखने को मिली है। और इसी प्रकार से देखा जाए जहाँ 8 बजे मार्केट खुल जाता था वो भी कहीं ना कहीं बंद देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तो ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस बंद का आह्वान किया था गरीब महंगाई को लेकर वो अभी थोड़ा बहुत असरदार जहाँ तो दिख रहा है। लेकिन अगर 10 बजे के बाद की बात कही जाए, क्योंकि कहते हैं मार्केट 10 बजे के बाद खुलता है, तो कांग्रेस ने इसको लेकर भी जिस प्रकार से समर्थन मांगा है कि जो भी इसे कांग्रेस का काम देना था कि इसे जबरदस्ती बंद नहीं कराएंगे, हाथ जोड़कर और फूल देकर अपनी मांग को रखेंगे और उनसे जो बंद नहीं करना चाहते हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो बंद करें और महंगाई को कहीं ना कहीं सरकार को जगाने की कोशिश करी जाएगी। जी ऋतु, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की होगी, 9 बज गए हैं, बाहर लोग भी होंगे, क्या कुछ उनका कहना था, कैसा रिएक्शन था उनका? बिल्कुल ऋतु, अगर देखा जाए जिस प्रकार से हमने कई बुजुर्गों से भी बात करी जो सुबह घूमने निकलते हैं, उनसे भी बात करी थी, कुछ छात्रों से भी बात करी थी, तो उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस जिस प्रकार से अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई पेट्रोल जहां 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है, और क्योंकि आज तक उन्होंने जीवन में कहना था कि हमने नहीं देखा कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। वहीं बात करी जाए पेट्रोल के कारण जैसे आवक आने जाने के लिए भी छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ तक कि अब छात्र भी ये जानते हैं कि महंगाई के कारण उन्हें खाने पीने रहने के लिए और बाहर जाने आने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आम जनता भी इसी मूड में है कि कहीं ना कहीं महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई का कंट्रोल करना चाहिए, सरकारों को अपनी ओर से जिस प्रकार टैक्सों की बात करी जाए तो टैक्स में कहीं ना कहीं कमी मिलनी चाहिए और आम जनता को इससे राहत मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर आम जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है कि महंगाई को कहीं सरकारें कम नहीं करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं अब आम जनता भी रोडों पर उतरे और महंगाई को लेकर अब लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आम जनता छात्रों का भी ये कहना था कि हम आज बाहर रहते हैं और हमें बाहर रहने में जिस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, शायद सरकार के प्रतिनिधि ये नहीं जानते हैं कि हमें किस प्रकार। चलिए संजय, आप लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने का।